अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने थंबनेल में देखा है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी। तो कल जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात की थी वो हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे किसके, एलजी के, जिसमें हमने उसका हैबिटाट, उसके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी। तो जो पहली इसकी क्लास है वो है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा बेसिकली हमारे पास ग्रीन एलजी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास क्लोरोफाइटा है उसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, ठीक है। और ये भी हमारे पास मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, या क्या होता है, कॉलोनीज की फॉर्म में पाया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो वॉल्विक्स है वो क्या होता है, कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है ना। उसके बाद जो इसका क्लोरोप्लास्ट है वो यूजुअली कप शेप होता है, ठीक है। और जो इसका पेरिनोइड है वो क्या होता है, स्टार्च की स्टोरेज और सिंथेसिस के लिए होता है, जो हमारे पास पेरिनोइड होता है। ये रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो ए सेल्यूलर रिप्रोडक्शन होती है और दूसरी इसमें सेल्यूलर रिप्रोडक्शन होती है। मोस्टली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर इन्हें हैबिटाट की बात करें तो ये मोस्टली हमारे पास फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो दे एग्जिबिट हिप्लोंटिक, डिप्लोंटिक और हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। थ्री टाइप ऑफ साइकिल्स आर फाउंड इन एलजी, हैप्लोटिंग, डिप्लोंटिक और हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में पाई जाती है, ठीक हो गया। क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होता है या कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं। इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप होता है, ठीक है। जो पेरेनोइड है वो किसके लिए होता है, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ स्टार्च के लिए। जो रिप्रोडक्शन है वो सेल्यूलर ए सेल्यूलर दोनों होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। और थ्री हमारे पास इनकी जो लाइफ साइकिल है वो थ्री फेजेस से गुजर के हमारे पास इसकी होती है। उसके बाद अगर हम इसकी फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो जो इसकी फर्स्ट डिवीजन वो हमारे पास है क्लेमेडोमोनास। आज हम इस वीडियो में हम सिर्फ क्लेमेडोमोनास को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा, अगर हम वॉल्विक स्पायरो वगैरह को डिस्कस करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो इस वजह से वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मतलब उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्लेमेडोमोनास को डिस्कस करेंगे। क्लोरोफाइटा की जो फर्स्ट डिवीजन है वो क्या है हमारे पास, क्लेमेडोमोनास, ठीक है। क्लेमेडोमोनास हमारे पास क्या है, ये बेसिकली यूनिसेलुलर ग्रीन एलजी है। ये डिवीजन क्लोरोफाइटा की है, क्लोरोफाइटा हमारे पास ग्रीन एलजी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इस वजह से हमारे पास क्लेमेडोमोनास भी ग्रीन एलजी है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये किससे बिलोंग करता है, क्लोरोफाइटा से बिलोंग करता है। अगर हम क्लेमेडोमोनास की सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास जैसे कि आपको डायग्राम नजर आ रही है साथ, ये स्फेरिकल ओवरऑल पियर शेप होता है, ठीक है। निष्पाती की शेप की तरह होता है, ये स्फेरिकल ओवल और पियर शेप की तरह होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो 10 to 13 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। कितनी इसकी लेंथ है, 10 to 13 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। बाई फ्लेजिलेट्स हैं, मतलब टू फ्लेजिला प्रेजेंट है। आप डायग्राम में देखें, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे टू फ्लेजिला प्रेजेंट है, ठीक है। और जो फ्लेजिला उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। और जो फ्लेजिला ये किसके लिए हेल्प आउट करते हैं, लोकोमोशन के लिए, मोटेलिटी के लिए, ठीक है। क्लेमेडोमोनास के अंदर टू टाइप्स ऑफ फ्लेजिला होते हैं, ठीक है। उनको बाई फ्लेजिलेट्स कहते हैं, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे यूज फॉर मोटेलिटी, ठीक है, मोबिलिटी के लिए, सॉरी, यूज करते हैं ये। उसके बाद हम अगर इसके क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो सिंगल लार्ज कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसके अंदर, क्लेमेडोमोनास का जो सिंगल लार्ज कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। और यूजुअली हमारे पास क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कंटेन करते हैं। अगर हम क्लेमेडोमोनास के पेरेनॉइड की बात करें तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये किसके लिए सिंथेसिस होता है, क्या सिंथेसिस और स्टोरेज किसकी करता है, स्टार्च की, ठीक है। तो ये अक्सर पास्ट पेपर में, ये एमसीक्यूज में आया हुआ था कि बताएं जो हमारे पास क्लेमेडोमोनास है उसकी जो स्टोरेज प्रोडक्ट है कौन सा, तो क्या है, इसका स्टार्च है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आई स्पॉट है, आई स्पॉट लोकेटेड विद इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो आई स्पॉट अपने डायग्राम में देखा था, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होता है। ये किसके लिए हेल्प आउट करता है, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है कि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करें तो सेंट्रल न्यूक्लियस है विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लेमेडोमोनास की रिप्रोडक्शन की, तो इसके टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हमारे पास एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। यूजुअली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होती है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास अंडरगो मल्टीपल डिवीजन होती है सेल में, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। और कितने टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं, 2 to 16 डॉटर सेल्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। पेरेंट सेल में माइटोसिस होती है, माइटोसिस से क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं, पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं और डॉटर सेल बनते हैं। तो 2 to 16 हमारे पास कितने होते हैं, डॉटर सेल बनते हैं। जो हमारे पास डॉटर सेल बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जूस्पोर्स होते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें
तो जब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन जब आती है, तो तब क्लेमेडोमोनास में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, गमीट ऑफ ऑपोजिट मेटिंग टाइप, ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है बेसिकली आइसोगैमी होते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इनकी जो गमीट्स होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट हमारे पास क्या होता है, थिक वॉल डेवलप करता है, जो हमारे पास डोरमेंट जाइगोस्पोर की फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास कंडीशन फेवरेबल आती है तो क्या करते हैं, ये जाइगोस्पोर्स मियोसिस के थ्रू क्या करते हैं, हिप्लोइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और यही हिप्लोइड सेल्स आगे कन्वर्ट हो जाते हैं क्लेमेडोमोनास में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, बस हमारे पास जाइगोट बनता है, जाइगोट थिक वॉल्स हमारे पास अपने इर्द गिर्द बना लेता है और वो डोरमेंट होता है, ठीक है। वो डोरमेंट जाइगोस्पोर्स की फॉर्म में स्टोर रहता है, जब हमारे पास कंडीशन फेवरेबल आती है तो जाइगोस्पोर्स के अंदर मियोसिस होती है और वो हिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है, और वो हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ करके क्या बना देता है, क्लेमेडोमोनास बना देता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर मैं एलजी के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इंशाल्लाह एलजी से लेकर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, डेली बेसिस के ऊपर वीडियो अपलोड होगी। मैं हैंड रिटन नोट्स इस वजह से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आई थिंक सो ये ज़्यादा है, क्योंकि मैं डिफरेंट कुछ डेटा गूगल से कलेक्ट करती हूँ, कुछ उधर से अपनी जो बीएससी की बुक्स है उधर से कलेक्ट करके बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।